Hi, I'm Nikita Sharma and you're watching INN 24. नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। नागपुर के वरिष्ठ पत्रकार उमेश बाबू चौबे ने देश के वर्तमान हालातों में रोशनी डाली। वह नागपुर में चल रहे मेट्रो के काम व जगह जगह सीमेंट रोड के कामों को लेकर उमेश बाबू ने सवालों के घेरे में नितिन गडकरी को घेरा और आगे हमारे संवाददाता इरफान खान से वर्तमान में चल रहे मीडिया के तेवरों को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, इस नाते मीडिया को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और क्या कुछ कहा उमेश बाबू चौबे ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दर्शकों, INN 24 में एक बार आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र के मशहूर और कद्दावर वरिष्ठ पत्रकार, जो पत्रकारों के बीच में पितामह कहे जाने वाले उमेश जी चौबे उर्फ बाबू जी के नाम से जाने जाते हैं, जिनके अखबार में आलू और प्याज की भी एड हमने देखी है, ऐसी ही शख्सियत से आज हम रूबरू हो रहे हैं। बाबू जी, INN 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद इरफान जी, बोलिए। बाबू जी, अभी जो नागपुर में विकास कार्य चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल जो कुछ भी सत्ताधारियों ने वायदे किए थे, खास करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे नागपुर के अंदर करीब 9 लाख झोपड़पट्टियां, 9 लाख मतलब झोपड़पट्टियों में मकान है, जिनको स्थायी पट्टे देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक स्थायी पट्टे ये सारे लोग जो है वो गरीब, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले गरीब मजदूर हैं। इनकी फिक्र सरकार तो कहती है, कांग्रेस सरकार भी कहती थी और ये बीजेपी की सरकार भी कह रही है, उन्होंने पट्टे देने के भी वायदे किए हैं, लेकिन जिस ढंग के जीआर निकलते हैं, जीआर के निकलने के नाटकबाजी होती है, उसमें लोगों को संतोष नहीं है। हमारे शहर के अंदर शहर विकास मंच नागपुर के तरफ से आंदोलन चल रहे हैं, वो भी आंदोलन 1982 से लेकर आज तक वो आंदोलन निरंतर चल रहा है, लेकिन आज तक कई लोगों को झोपड़पट्टी के निवासियों को स्थायी पट्टे नहीं मिले। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं इरफान जी कि ये जो जिस ढंग के विकास की बात हो रही है, मेट्रो ट्रेन ला देने से या सड़कें सीमेंट की बना देने से हमारा शहर का विकास हो जाएगा? अगर हमारे शहर के अंदर बेरोजगारी फैलेगी, फुटपाथ पर लोगों को बैठने के लिए, क्योंकि फुटपाथ किसी के बाप का नहीं है, फुटपाथ को मुक्त किया जाए इसमें हरकत नहीं, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था जो उनकी होनी चाहिए वो माल में हो रही है और उसकी वजह से हजारों यहां पर जो फुटपाथ दुकानदार हैं उनको बेरोजगार किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि आप उनकी वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना आप उनको अतिक्रमण की कार्रवाई के नाम पर हटा नहीं सकते, उनका रोजगार छीन नहीं सकते, लेकिन आज ये समस्या बनी हुई है, उनको भी हटाया जा रहा है। हमारे MIDC की हिंगना की अगर बात करें तो 450 कारखाने बंद पड़े हैं, ये सब किस बात के प्रतीक हैं? ये हम आप कैसे अपेक्षा करते हैं? हिंदी और मराठी के स्कूल बंद हो रहे हैं लगातार और लोगों को हम अंग्रेजी पढ़ाने के माध्यम से इतना ज्यादा पीछा कर रहे हैं कि हमको हर बात में हम अब ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप भी अंग्रेज थे, जिसकी वजह से हम ये अंग्रेजी सिखा करके दुनिया में ये सबको पहुंचाना चाहते हैं। हर गरीब बच्चा भी चाहता है कि अंग्रेजी पढ़ो। मैं अंग्रेजी का द्वेषी नहीं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहिए, अंग्रेजी सीखना, हम अपने देश की भाषा तो नहीं सीख पाते, हमारे कोई राष्ट्रीय एक ऐसा ये नहीं है कि हमारी राष्ट्रभाषा कोई हो, हमारा राष्ट्र कोई घूमर राष्ट्र नहीं है, लेकिन आज तक हम लोग चयन नहीं कर पाए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाया जाए, जबकि तत्कालीन सारे नेता ये सब कह चुके थे। इसलिए विकास के नाम पर लोगों को बेरोजगार न किया जाए और जब तक के ये जो भी विकास होंगे इससे नागपुर की
गर्मी बढ़ेगी, पर्यावरण खराब होगा। मैं महाराजबाग नागपुर का ऐतिहासिक जो गार्डन है उसका मैं आंदोलन 12 साल से चला रहा हूं। हमने हाईकोर्ट में पिटीशन के जो कुछ भी मुद्दे थे उसमें कहा था ये जहर काट रहे हैं विकास के नाम पर। हमको आपत्ति नहीं है, विकास तो होना चाहिए, लेकिन ये जो पर्यावरण झाल काट रहे हैं लगाना चाहिए, लेकिन आज तक एक भी पेड़ वो महाराजबाग में नहीं लगा। आज बड़ी बातों से जो की जाती हैं, लेकिन स्थायी रूप से आम जनता, गरीब आदमी के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए कोई ऐसी न्यायिक व्यवस्था हमको दिखाई देती नहीं, इसलिए ये विकास के नाम पर कोई बहुत बड़ी सफलता हमको मिलेगी नागपुर में ये मैं मानता नहीं। बाबू जी, आपने एक वक्त में महाराष्ट्र से में जितने भी तांत्रिक और पाखंडी बाबाओं का पर्दाफाश किए थे उनको महाराष्ट्र से दूर भगाया था, अभी फिर वही सर उठा रहे और बाबाएं और तांत्रिक अपने अंधश्रद्धा की दुकान लेके बैठे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल पूरे महाराष्ट्र को क्या देश को मालूम है कि हमारी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन का मैं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूं, और उस नाते ये दावे से कह सकता हूं कि हमारा एकमात्र संगठन ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से हम पूरी तरह से इस महाराष्ट्र को, अब महाराष्ट्र में जो कानून बनाया गया 2013 में जादू टोना विरोधी कायदा, उसको लेकर के हम मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हम धर्म पाखंड के खिलाफ हैं, हम किसी देव धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हर एक का धर्म लोग अपने आप में पालन करें, लेकिन जिस ढंग की जो परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि मैंने एक दो नहीं ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, छोटे छोटे गांव के अंदर, जहां पर हमारे नागपुर जिले का अगर उदाहरण दूं तो आपको आश्चर्य लगेगा कि कोई तहसील से थोड़ी देर पहले यह गांव पड़ता है और टेमुना कुतुबी गांव है, और उस गांव के अंदर में एक दलित समाज के युवक को जो सामाजिक कार्यकर्ता था इसलिए उसकी हत्या कर दी गई कि उसके हत्यारे ने यह आरोप लगाया कि उसने सांप मंत्र से भेजे। अगर हमको सांप ही भेजना होता तो हम दूसरों के पास भेजते ना, लेकिन सांप मंत्र से भेजे ऐसी कल्पना करके उसने उसकी हत्या कर डाली गई। उसके लिए हम लोगों ने गांव का तनाव था, लेकिन जातीय तनाव को हमने कम किया, लोगों को समझाया कि मानसिक विकृति है। अंधश्रद्धा का जहां तक सवाल है, जैसे वायरस घुसता है कंप्यूटर में आपके मोबाइल के अंदर, वैसे ही हमारे दिमाग में अंधश्रद्धा का वायरस घुसा हुआ है। जैसे कंप्यूटर से वायरस निकाला जाता है वैसे इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुप्रथाएं इतनी भयानक हैं। उसका उदाहरण एक और देना चाहूंगा मैं इरफान जी कि अमरावती जिले में जो एक खड़ीमल गांव है और ये जो चिकलदरा तहसील है, और उस गांव के अंदर दो मासूम बच्चों को उसके बाप ने उनकी नरबलि चढ़ा दी, और हमको जब जानकारी मिली तो हम दो चार दिन बाद वहां पर गांव में पहुंचे तो गांव में कोई अधिकारी बड़ा पहुंचा नहीं, कोई पक्ष का नेता पहुंचा नहीं, लेकिन लगातार अगर हमारे राज्य के अंदर, देश के अंदर में जिस ढंग से जादू टोने के नाम पर महिलाओं पर खास करके अत्याचार हो रहे हैं वो भयानक है। बच्चों पर नरबली बच्चों की, पठान नाम के एक मांत्रिक ने, तुम आप तो हमारे साथ इरफान जी थे वर्धा के अंदर में, जिसने हनुमान जी की मूर्ति के पास जाकर के बच्चे के अवयव जो थे उसके अंग वो काट करके पका के खाए, और उसने उसको ऐसा लगा कि मैं धन प्राप्ति कर लूंगा। ये इतने भयानक कांड हो रहे हैं। मैं खरीमल का जो उदाहरण दे रहा था दोनों बच्चों का, वो इतना आश्चर्यजनक और दुखद है कि हमको, हम गांव में चर्चा करने के बाद हम जब सारी बातें हो गई, जब हम जाने के मार्ग पर थे तो उसकी जो बच्चों की मां है वो दौड़ते हुए हमारी कार के सामने आई और कहने लगी कि बाबूजी आप हमारे भाड़ू में बच्चे नहीं थे, आपने जो ये मांग किया कि इनको फांसी दो तो इनको फांसी मत दो, बच्चे तो फिर भी हो सकते हैं लेकिन इनको फांसी दे देंगे तो हम मेरे को पति कौन होगा। इस प्रकार की भाग्य की जो बात है, वो कोरकू आदिवासी परिवार की महिला जब भाग्य को कोस रही है, कौन सा भाग्य, किसका भाग्य, किसने किसको देखा? कोई जरूरी है कि हमारे गरीब आदमी के घर में कोई ऐसा
वैज्ञानिक नहीं पैदा हो सकता या हमारे गरीब आदमी का बच्चा हमारा तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी अवस्था है। लेकिन हम नागपुर को दावे से कह सकते हैं कि नागपुर में हमने ढोंग पाटन विरोधी अभियान चला रखा है। आपको इरफान जी बताऊं, ये समिति शुरू होने के पहले ही मैं नागपुर के अंदर में पाखंड पोलखोल पंचायत के नाम से काम करता था। कई बाबाओं को उस समय भी मैंने बेनकाब किया था और मेरा काम मृत्यु के अंतिम सांस तक जारी रहेगा इस ढोंग पाटन से मुक्ति दिलाने का, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बाबूजी, इलेक्शन होने से पहले हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने आपका आशीर्वाद यह कह के लिया था कि मैं जैसे सत्ता में आऊंगा तो विदर्भ अलग हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि विदर्भ अलग होगा या नहीं होगा? दरअसल आशीर्वाद की बात नहीं है, लेकिन ये बात आपकी सच है। आपको मालूम है कि वो हमसे एक कोसी समाज के सामूहिक विवाह में उनने हमको मिलने के लिए आए, मेरी अध्यक्षता में कार्यक्रम था, वो उद्घाटक थे और आकर के उनको जल्दबाजी थी, सीधे माइक पर गए, उन्होंने अपना शुभकामनाएं सब दूल्हा दुल्हन को दिए और लौटते टाइम जब उनकी नजर मेरे ऊपर गई तो मेरे पास आए कि बाबू आपको लगता है कि हम चुनके आएंगे अगर मान लो तो हम निश्चित रूप से पृथक विदर्भ बनाएंगे, ये मैं आपको वायदा करता हूं। मैंने खुश होकर शुभकामनाएं दी और कहा कि आप तो निश्चित चुनके आ रहे हैं, 35-40 हजार से वोट से चुनके आ रहे हैं, मैं एक पत्रकार के नाते एनालिसिस कर रहा हूं। तभी उन्होंने कह दिया कि मैं 2-2.5 लाख वोट से चुनके आ रहा हूं। मैंने बोला कितने वोट से चुनके आए? आप चुनके आ रहे हैं, अब आप हमको न्याय दीजिए, हमको विदर्भ बना करके दीजिए। तो उन्होंने गए और फिर पलट करके आए और कहने लगे कि ये 4 जिले जो हैं, खास करके मध्य प्रदेश के जो नजदीक के जिले हैं, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बैतूल है, इन 4 जिलों में जो मराठी भाषी लोग हैं उनको हम देना पसंद नहीं करेंगे, इनको भी देना पड़ेगा। तब मैंने उनसे कहा कि ये विवाद में पड़ने के पहले अपना विदर्भ तो बना लो और ये जो विदर्भ है ये कभी भी इसका कोई विकल्प नहीं है। विदर्भ के अंदर जो परिस्थिति बनी हुई है वो इतनी भयानक है कि आज भी उदाहरण ताजा कि हमारे विद्युत मंत्री साहब बोलते हैं कि हम 12 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में लोड शेडिंग करेंगे। किस लिए? बिजली हम उत्पादन करेंगे, लिफ्ट तुम्हारी चलेगी, इरीगेशन तुम्हारा होगा, ये कैसे संभव है? और इसका अन्याय जो अत्याचार है वो 1 मई 1960 से ही शुरू है, यानी जो वादे किए गए थे उस समय यशवंतराव चौहान के जरिए कि हम बम्बई का पैसा लाकर के विदर्भ का विकास करेंगे, यहां के गरीब आदिवासी का पैसा भी बम्बई में चला जाता है बैंकों के जरिए, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं है। हमको क्या मिला इस विदर्भ महाराष्ट्र में शामिल होने के बाद? आतंकवाद मिला, नक्सलवाद मिला, गरीबी मिली, बेरोजगारी मिली और हमारी जो अवस्था है वो ऐसी बना दी गई कि जैसे हमारा कोई सरकार का माई बाप नहीं है। दिखावे बहुत हो रहे हैं, आश्वासनों की आतिशबाजी हो रही है, लेकिन आज अगर हम देखें तो किसानों का आंदोलन हो या मजदूरों का आंदोलन हो, सारे के सारे इस बात के प्रतीक हैं, चाहे झोपड़पट्टी का आंदोलन हो कि हमारा जो भविष्य है वो पृथक विदर्भ बने बिना नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा अगर आपके पास समय हो, कि हम लोग कभी भी संयुक्त महाराष्ट्र में नहीं जुड़े थे और उसका उदाहरण यह कि पवनौल के पास में एक सदरुद्दीन नाम का औरंगजेब का एक सेनापति वहां रहता था और वो जो रहता था, जब हम लोग पवनौल से सेवाग्राम की तरफ जाते हैं तो बाई हाथ के ऊपर में काले पत्थर का एक गेट दिखता है, वो सदरुद्दीन का महल था, वहां पर वो लूटा गया। राम राजा जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो दूसरा बेटा था उसने, गुरुड़िया युद्ध का एक्सपर्ट था, उसने उसको लूट लिया, लेकिन वक्त बुलंद शाह जिसको सत्ता पर बैठाया था औरंगजेब ने धर्मांतर के बाद, तो वो उसके छोटे भाई ने दीनदार शाह ने ऐसी खबर भेजी औरंगजेब के पास कि ये पूरी तरह से ये षड्यंत्र हुआ और ये किया है वक्त बुलंद शाह ने। तो हम लोग इस बात को कि इसका कोई संबंध हमारा वहां पर नहीं था,
महाराष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, मैं इतिहास के पन्ने ज्यादा नहीं पलटा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा अगर वाकई कि यहां पर हैदराबाद के निजाम साहब के चार जिले अंडर में थे और उसके बाद इधर मराठवाड़ा था, फिर महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के अंदर में विदर्भ कभी रहा नहीं, मराठी भाषी रहे हैं और हमारे राज्य की भाषा भी मराठी भाषी होगी, भाषा का कोई विवाद नहीं है। पुराने जमाने में जब ये विवाद हुआ तो विरोध करने वाले कहते थे कि सेठ जी भज्जी का राज आएगा, विरोध करने वाले कहते थे कि ये हिंदी वाले तुम्हारे ऊपर में सवार होंगे। आज क्या अवस्था है हमारे भारतीय भाषाओं की, ये सब नेताओं को मालूम है और उसके बाद ये सब भावनात्मक बातें अब चलेंगी नहीं, हमको तो इसके परिणाम जानना है। हमको जो वादे किए हैं, खास करके हमारे गडकरी जी ने बोला कि मैं चुनकर के आया तो 50,000 बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, आज तक बताइए कि कौन से क्षेत्र में कहां पर बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था गडकरी साहब ने की है। फिर वो बताते हैं ये योजना लाए वो योजना लाए, योजना लाए कौन सी योजना लाए, गरीब को क्या फायदा हो रहा है, सवाल है गरीब के सामने आज क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है, चाहे उनका उनके बच्चों को पढ़ाने का। इरफान जी आपको जानकर के दुख लगेगा कि हमारे देश में प्रतिवर्ष चौथी कक्षा के बाद करीब 8-9 लाख बच्चे पांचवी कक्षा में नहीं जा पाते। कौन है ये बच्चे, गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं जिनको सुविधाएं नहीं है। जब मैं खड़ीमल का उदाहरण दे रहा था उस गांव के अंदर में, वहां पर पुलिस थाना 105 किलोमीटर दूर, दवाखाना 99 किलोमीटर दूर, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं और उसने नरबली इसलिए चलाई कि उसको वो देवी का उपासक बन गया था और उसने कहा था कि दुर्गा देवी को प्रसन्न करके इस गांव का विकास हो जाएगा, हरियाली हो जाएगी। लेकिन अफसोस है कि आप पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर में जाइए और कोल्हापुर में देखिए कि गन्ने की कितनी बड़ी खेती हो रही है और पश्चिम महाराष्ट्र के लोग गोवा में दूध बेचते और हमारे पास में शराब बेचते। हमारे पास में शराब बनाने के कारखाने जरूर है लेकिन मटेरियल वहीं से आता है। और ये सारा आश्चर्य यह है कि हमारे नेता उसका विरोध नहीं कर पाते कि ऐसा पक्षपात हमारे साथ क्यों हो रहा है। जिस समय 50वां वर्ष मनाया गया था और उस समय जब देशमुख साहब मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि भाई आप हर स्वतंत्र संग्राम सेनानी अपने क्षेत्र का पानी लाए और मिट्टी लाए, हम उसकी शहीद स्मारक पर पूजा करेंगे। हमने भी पानी भेजा, अपने नाग नदी का गटर का पानी भेजा और एक ताजा यवतमाल में केस हुआ था किसान की आत्महत्या का, तो गरम गरम राख और ये मिला करके हमने उनको भेजा कि कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी तो मिला नहीं, लेकिन हम पोस्ट के जरिए आपको ये भेंट कर रहे हैं, इसको भी शहीद स्मारक पर चढ़ा दो। हमारी अवस्था राख के समान है। मैं राजनीतिक पार्टी का मेंबर नहीं, राजनीतिक पार्टी का दोषी नहीं, विरोधी नहीं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं ईमानदारी से ये बोलना चाहता हूं कि आज बदलाव के नाम पर हम गरीबों को क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ में। आज जो अवस्था बनी है, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे चीन की हो, चाहे हमारे भी हम पूरे दुनिया में घूम रहे हैं घूमने से, और ये जो जिस प्रकार की धमकियां हमको चीन से मिल रही है, ये बड़ा दुखद प्रसंग है क्योंकि हम इतनी आजादी के 71 साल बाद भी अपने को इतना शक्तिशाली नहीं बना पाए कि हम कैसे अपने देश की रक्षा करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी नेता आते हैं वो स्वार्थी बनते हैं, वो अपना भला देखते हैं। कोई भी पार्टी का नेता हो, मेरा विश्वास पर भी विश्वास नहीं है कि वो नेता बहुत ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए चुन करके आएगा, लेकिन आज जो लाभ वहां पर वो लोकसभा में जाने के बाद में हमारे प्रतिनिधि ले रहे हैं, खास करके उनका मानधन सब कुछ व्यवस्था होने के बाद, उसके बावजूद भी वो जिस ढंग से उनको फैसिलिटी दी जाती है पार्लियामेंट के अंदर में, 25 रुपए में आप चिकन भी खा सकते हैं, खीर भी खा सकते हैं और सब फायदा ले सकते हैं, लेकिन आम जनता 25 रुपए में खाना खा सकती है क्या, रोटी मिल सकती है उसको पेट भर 25 रुपए में। आज आम जनता को 100 रुपए कम से कम देना पड़ता है तब उसको एक थाली खाना मिलता है। सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या गरीब के बच्चों ने तरक्की नहीं करना चाहिए, शिक्षा का व्यापार हो गया है, शिक्षा पूरी तरह से उन
व्यापारियों के हाथ में है कि जो लोग पैसा लेकर के बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं, कॉलेज में कोई जाता नहीं और ट्यूशन वाले उनसे 5,000 और 10,000 और 7,000 इस प्रकार के रेट हैं, 25,000 उनका वो चल रहा है। तो ये समाज की बदलाव कैसे होगा, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम समाजवादी समाज रचना करेंगे, हमारे संविधान में लिखा है कि हम धर्म निरपेक्ष रहेंगे। जब हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो मेरे मन में एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि हम क्यों कहते हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि हम एक ये किसी कोई भी धर्म का बपौती नहीं है इस देश का, देश के ऊपर हम लोग सब भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो दलित समाज का हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, वो हमारे देश की इसी मिट्टी से जन्मा है, कहीं आसमान से टपक करके नहीं आया। ये पुराने जमाने का इतिहास छोड़ दीजिए, लेकिन आज खानदान के खानदान देश के लिए मर मिटे हैं। आजादी के आंदोलन में मुसलमानों ने जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया उसको कोई इनकार कर सकता है? आजादी के आंदोलन में नागपुर में सबसे पहले शहीद होने वाले कौन लोग थे? 1857 की लड़ाई के अंदर में सैनिक विद्रोह करने वाले वो वीर सैनिक मुस्लिम थे, उनको 3 दिन तक अंग्रेजों ने टंगा करके रखा, और ये जो अंग्रेजों का विरोध करेगा वो उनकी दशा हम ऐसी करेंगे। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप शंका क्यों कर रहे हैं? आज मुस्लिम समाज के लोग राष्ट्रीय एकता के सम्मेलन करते हैं तो क्यों उनको भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है, उनके बच्चों को भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है, इस वजह से वो राष्ट्रीय एकता के सम्मेलन की बात करते हैं। अब ऐसी अवस्था में हमारे सामने सबसे बड़ा अगर कोई चिंता का विषय होगा वो है मीडिया का। अगर मीडिया जो आप मुझसे चर्चा के दौरान सवाल कर रहे थे, आपने सवाल नहीं पूछा फिर भी मैं उत्तर देना चाहूंगा कि मीडिया जो है ये मीडिया मंडी शरीर की व्यवहार कर रही है, और मीडिया मंडी का मतलब है लाभ हानि। अल्लाह, पहले हमारे देश के अंदर में पत्रकारिता जो थी वो पूरी देशभक्ति के ऊपर में प्राणों की निछावर करने वाली पत्रकारिता थी, और आज जिसका लाभ कैसे होता है उस प्रकार का, आप बहुत उत्साही पत्रकार है मैं जानता हूं, लेकिन इरफान भाई ऐसा संकट आ सकता कभी भी ये न्यूज मत देना, मेरी बात को बुरा मत मानिए, आप इसको गलत मत समझिए, जिस दिन ऐसा संकट आएगा तो मन कहेगा ईमानदारी के कारण कि छोड़ दो उस नौकरी को। जब मैं सच्चाई सामने लाना चाहता हूं तो मैं लोगों से कहता हूं कि समाज में बहुत से लोग आपके सामने बहुत से प्रवचन करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सबको सुनो, चिंतन मनन करो, अध्ययन करो, विचार करो कि उनकी बात जो है उसमें सच्चाई है कि नहीं, दम है कि नहीं, और उसके बाद सत्य का साथ दो। बाबूजी, अन्ना हजारे जब भी नागपुर आते थे आपसे मिले बगैर नहीं जाते थे, अभी अन्ना हजारे चुपचाप क्यों बैठे हैं? दरअसल जहां तक कि अन्ना हजारे जी का मैं आज भी प्रशंसक हूं, पहले भी था और अभी भी हूं, जबकि लोग उनके बारे में तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, वही एक ऐसा हमारा मिला जो भले हमारे आयु में कम हो, लेकिन उनकी देशभक्ति पर जिस ढंग से उन्होंने काम किया, आज हमको माइती का अधिकार का अधिकार दिलाया, उसने कई नेताओं को भ्रष्टाचार को जेल में डाला, उसने लगातार आंदोलन किए भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये लगातार आंदोलन करके ये प्रभाव हुआ कि दिल्ली में जो आंदोलन हुआ उसका नागपुर में भी हम लोगों ने 14 दिन आंदोलन किया। सबकी इच्छा थी कि हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो, क्या हमारा देश आज भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ? क्या हमारे देश में आप ये दावा कर सकते हैं कि कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद ये भ्रष्टाचार से मुक्त है? सबको मालूम है कि ये स्वार्थी लोग हैं और अपने अपने ढंग से पैसा कमाने में आज भी लोग लगे हुए हैं, और इसलिए जहां तक कि अन्ना जी का सवाल है, उनको राजनीति नहीं करना था, सच्चा आदमी राजनीति से नहीं करेगा क्योंकि उसको समाज में सुधार की जरूरत है। सच्चे आदमी राजनीति का अर्थ जो है स्वार्थ और कंपनियों को फायदा पहुंचाना हो गया है। अब कंपनी का एक छोटे से उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जिस समय हो सकता है कि आप हमारी बात को काट दें, लेकिन सर्वविदित है कि हमारी खुद की देश की तेल की कंपनियां होने के बावजूद भी
रिलायंस को यानी अंबानी जी को उन्होंने रेलवे के अंदर में डीजल सप्लाई का ठेका दिया, हमारे माल हम लेके आएंगे और हम तुमको देंगे, तुम हमको वापस करोगे अधिक कीमत लगा करके। यानी ये पागलपन को कौन सी नीति है ये? आज भ्रष्टाचार का ये अवस्था है कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर में दर्जनों ऐसे सांसद पहुंच गए हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनके ऊपर में बलात्कार लूटपाट के आरोप हैं, वो भी हमारे जन नेता बने हुए हैं। सुबह भी एक बार वो बन गए तो उनके खिलाफ कोर्ट में गवाह देने कोई आएगा नहीं और वो जन नेता बन जाने के बाद में उनको कोई ये मिलेगा नहीं। लेकिन सवाल है कि अन्ना हजारे जो है वो आज भी चुप नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कमेटियां बर्खास्त की, उनके साथ में जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनको निकाल दिया, उनके नाम का जो दुरुपयोग कर हो रहा था वो उन्होंने बंद किया, लेकिन आज भी वो भ्रष्टाचार के लिए शिविर अभी हाल में दिल्ली में उन्होंने शिविर लिया। बाबूजी, आईएनएन 24 की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आईएनएन 24 के लिए अपना वक्त दिया। मैं आईएनएन 24 महाराष्ट्र से कैमरामैन अंकुश के साथ इरफान खान। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें आईएनएन 24 पर। नमस्कार।